राहुल का क्यों इंतजार कर रहे हो? वो हिंदुस्तान का बब्बर शेर है, देश के अंदर डेमोक्रेसी की रक्षा के लिए लड़ रहा है। अच्छा, वो शेर लड़ेगा हिंदुस्तान की आजादी को कायम रखने के लिए। हाँ। लोकतंत्र को कायम रखने के लिए। हाँ। पार्लियामेंट के अंदर भी आरएसएस वालों ने कब्जा कर लिया है। हाँ। जनहित के फैसले जो है वो किसी भी विरोधी पार्टी को उठाने नहीं दे रहे। हाँ। इसलिए हम इंतजार कर रहे हैं कि महात्मा गांधी ने देश को याद कराया, राहुल गांधी के अंदर भी हमको महात्मा गांधी दिखाई देता है। अच्छा। इसलिए हम इंतजार कर रहे हैं। हाँ। इसलिए हम इंतजार तो आपको लगता है कि ये जो अभी केंद्र सरकार है उसके अंडर में जो डेमोक्रेसी को खतरा है? खतरा बिल्कुल खतरा है। हाँ, कैसे खतरा है? कान्ना शाही तरीके के चुनाव जो हुआ, जुडिशरी हुई, सभी प्रभावित कर लिए हैं इन्होंने फैसले जो भी करवा रहे हैं। देश के सद्भावना को ठेस पहुंचा रहे हैं। इसलिए बहुत ही आवश्यक है इन फासिस्ट लोगों को सत्ता से बाहर करना। अच्छा। और लोकतंत्र के अंदर जो मत मेरे को दिया है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने, मैं उसका सही उपयोग करते हुए लोकतांत्रिक शक्तियों को मजबूत बनाने के लिए बलबीर सिंह लैडियाँ, एक्स मेंबर ऑफ कंसल्टेटिव कमेटी फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, भारत सरकार का है ये नुमाइंदे के तौर पर मैं बेस्ट कम्प्लीमेंट्स देता हूँ राहुल गांधी को। और मंड क्षेत्र के अंदर जो अवैध खनन हो रहा है, वो अवैध खनन को यदि नहीं रोका गया तत्काल तौर पर तो पोंग डैम गिरेगा, हिंदुस्तान तबाह होगा और पाकिस्तान भी मिट जाएगा। इसलिए मैंने आज सुबह उनको मीलमा चौक के अंदर हैंड टू हैंड अपना एक मेमोरेंडम दिया है, मेरे पास उसकी कॉपी है। आप भी यदि चाहते हैं तो मैं आपको भी प्रोवाइड करता, लेकिन राहुल जी को मैंने दे दिया है। मैं आशा करता हूं कि पोंग डैम को बचाने, पोंग डैम करे पुकार मुझे बचाओ भारत सरकार, मंड क्षेत्र करे पुकार मुझे बचाओ भारत सरकार, सा नहर करे पुकार मुझे बचाओ भारत सरकार। क्यों हिमाचल की सरकार उसको नहीं बचा रही? खनन माफिया जो है उसका प्रभाव है सरकार के ऊपर, 17 क्रशर चल रहे हैं और 33 और लगने हैं। तो जो हमारा बैरेज है भुंजा गेट जहाँ से पानी का कंट्रोल होता है, उसके नीचे से हजारों गाड़ियाँ रेत पत्थर बजरी का उठाकर ले जा रहे हैं। तो इस वक्त हिमाचल के मंड क्षेत्र और विधानसभा के क्षेत्र जहाँ का हमारा नुमाइंदा मलिंदर राजन जी जिसको हमने भोपाल, इसीलिए कि हमारे मंड क्षेत्र की आवाज़ को विधानसभा के अंदर रखें ताकि मंड क्षेत्र के खन से बचाया जाए और भारत को बचाया जाए। इसलिए हम इंतजार कर रहे हैं राहुल जी का, आने वाले समय में वो देश के प्रधानमंत्री बने और लोकतंत्र को बचाएं, मेरे मत को बचाएं, मेरे मत का खरीददार कोई ना पैदा हो। बहुत बहुत कोई मेरे मत को खरीद ना सके। बिल्कुल, यहाँ पर भी हिमाचल के अंदर जैसा प्रयास कुप्रयास चल रहा है कि चुनी हुई सरकार को खरीदा जाएगा गोवा की तरह, मध्य प्रदेश की तरह, महाराष्ट्र की तरह, तानाशाही तरीके से पैसे से नौकरी पूंजीवादी व्यवस्था का एक क्राइसिस है। इस क्राइसिस के हिंदुस्तान के नौजवान को रोजगार चाहिए, हर एक घर को अंदर उसका चूल्हा जले, उसको भरपेट खाना मिले। मैं एक किसान हूँ, किसान और के साथ जो अन्याय इस सरकार ने किया, 700 किसानों की मृत्युओं का जो जिम्मेवार मोदी जी हैं, जिनके परिवारों को एक पैसा नहीं दिया गया, कंपलसेशन नहीं दिया गया, लेकिन इतना कह देना गुरुपूर्व के ऊपर कि भाइयों बहनों मैं ये काले कानून वापस लेता हूँ, लेकिन पार्लियामेंट के अंदर बोलता है मेरे को काला तो बताओ क्या है।
काला कुछ भी नहीं है, लेकिन गुरुपूर्व के दिन बोलता है कि मुझे क्षमा कर दो, क्षमा नहीं करेगा। 700 किसान जिनकी हत्या हुई है, उसकी हत्या की है, उन किसानों की हत्या की है, उसके लिए जिम्मेवार मोदी जी हैं, कृषि मंत्री जी हैं, और किसानों की जो MSP देने का वादा किया अभी तक नहीं किया जा रहा। इसलिए हम राहुल गांधी का इंतजार कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी का इंतजार कर रहे हैं। हमने हिमाचल के लोगों ने कांग्रेस को यहाँ पर खड़ा कर दिया। कांग्रेस हिमालय से चलेगी, केरला तक जाएगी, केरला से यात्रा शुरू की है। हम राहुल जी के लिए बहुत बहुत दुआएं करते हैं, उन्हें आशा रखते हैं। तो मैं ज़्यादा ना कुछ भी कहता हूँ। आपके पास अगर कॉपी होगी तो मेमोरेंडम की दे दीजिए, हमारे भी स्टडी के लिए हो जाएगी। आप और ये लाइव दिया मैंने, और ये लाइव चालू है हमारा। आप ये जो बोल रहे हो, मैं बोल रहा हूँ, हाँ चैनल पे है, आप देख सकते हैं। जनता का आईना है, जनता का आईना, जनता का यूट्यूब पे देखिए आप। हाँ ठीक है, हाँ जी, इसको सर जरूर नो माइनिंग क्षेत्र को नो माइनिंग डिक्लेयर किया जाए। ठीक है, आप देख लीजिए, आया है जनता का आईना पे, जनता का आईना।